वेट है शायद, वेट है वो, वेट। आपको कैसे पता चला कि आप जीनियस ही पैदा हुए थे? मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पता है कि मैं जीनियस में पैदा हुआ था। तुम जीनियस पैदा हुए थे? फिर क्या मजाक करना होगा? मैं सोच रहा हूँ सीक्रेट है ये, बताऊंगी। ओके गाइस, चलो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रहे हैं हम दोपहर से। इधर देखिए अर्जुन की पढ़ाई हो रही है। जस्ट हम लोग स्कूल से आए, हम लोगों ने लंच किया। आजकल मैं लंच स्कूल नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि फिर घर आके मुझे खाने का मन करता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिर मैं आजकल मजाक कर रही थी, मैं डाइट कर रही हूँ आजकल। तो सुबह में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग खाने की होती है, मैं मूँगफली के जो दाने होते हैं वो ड्राई रोस्ट करके ले रही हूँ। लंच में नहीं ले जाती, सिर्फ अज्जू ले जाता है। और यहाँ पर आई मैं, थोड़ा सा लंच किया मैंने, अब यहाँ अर्जुन को मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी जब स्कूल का वर्क कर लेता। नेक्स्ट करिए, फिर पूरा भरिए, फिल करिए, इसलिए करा देती हूँ। जैसे स्कूल से आए, घंटों उसने खाया किया और इसके बाद थोड़ी सी टीवी दिखा दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, मतलब कोशिश कर रही हूँ अभी तक कि मैं अर्जुन को थोड़ी सी एक अच्छी लाइफ दूँ, जैसे कि मतलब मैनेजमेंट वाली, कि जिसमें टाइम का उसे वैल्यू हो। तो जैसे कि स्कूल से आने के बाद मैं उसे थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ी सी आधा घंटे उसने टीवी देखी और अब वो अपना वर्क कर रहा था नहीं। और इसके बाद अगर उसे सोना होगा तो सो जाएगा, अदरवाइज वो अगर वो नींद आएगी तो मैं बोल लूँगा। हाँ, थक गया हूँ बस। तो इससे क्या होता है, जब भी रेस्ट कर लेगा, खेल लेगा, फिर मैं उसे छत पे भी ले जाती हूँ, थोड़ा सा खिला लेती हूँ। इसके बाद जैसे कि उसका माइंड एक जगह, जैसे ना बंद कमरे में या बंद जगह पे, वो फर्स्टेट नहीं हो उस चीज़ से, इरीटेट हो जाते हैं ना बच्चे, क्योंकि मेरा घर पूरा बंद है, कहीं जाने को ये जगह नहीं, क्योंकि ऑन रोड का घर है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अज्जू को थोड़ा सा ऊपर नीचे मतलब करती रहती हूँ। फिर रात को जो 7 बजे होता है, 7, 7:30, 8 बजे मैं इसको डिनर कराती हूँ। फिर थोड़ी देर में इसको पढ़ाती हूँ, वो अपने तरीके से पढ़ाती हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, उसको कुछ अलग सिखाना है, कुछ नया बताना है। हाँ ऐसे अभी शाम का 4 बजे और इस टाइम पे मैं ग्रीन टी लेती हूँ, मैं अपनी ग्रीन टी प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ में मैं अर्जुन के लिए दूध भी बनाऊँगी क्योंकि अर्जुन भी सो के उठ गया, उसने आधा घंटे की सोए से ज़्यादा सोया नहीं क्योंकि उसे पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। नींद तो आती पर वो सोना नहीं चाहता खेलने के चक्कर में। तो साथ में अर्जुन का दूध भी बना लेती हूँ, मैं अपनी ग्रीन टी जब तक फिनिश करूँगी तो वहाँ पर वो अपना दूध भी फिनिश कर लेगा। और अब मैं कर लेती हूँ साथ में शॉपिंग, क्योंकि आज मैं बनाने वाली कटहल की सब्ज़ी और दाल और चावल एंड रोटी। और इसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी भी साथ साथ पी जाऊँगी, जिनको दूध दे दिया। यहाँ पे मैं सैलेड काट रही हूँ, कहीं सब्ज़ी और दाल मैंने बनने के लिए रख दिया है और ये सैलेड काट लेती हूँ। यहाँ पे खीरा और प्याज ज़्यादा खाते हैं सब लोग, बाकी तो कोकुम्बर और ऑनियन के बाद ये लोग कुछ खाते नहीं। जैसे गाजर वाजर काट दो या फिर चुकंदर काट दो, कोई भी नहीं घर में खाता, तो ये प्याज और ये खीरा ही सब लोग खाते। तो बस मैं इतना ही काटती हूँ, कभी कभार मैं ज़रूर खा लेती हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। और जो अभी बज गए हैं शाम के 7 और देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीछे। आप यहाँ से देखिए रोड है, ये जस्ट बिलग्राम चुंगी जाती है और सैंडी रोड नहीं जाती है गाइस। और ये कितना सुंदर सुहाना मौसम लग रहा है और अर्जुन बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब ऊपर आते हैं। तो मैंने बालों को खोल लिया एक्चुअली, और अब इतना अंधेरा हो गया, एकदम से अंधेरा हो रहा है कि मैं दिख नहीं रही हूँ इसमें। बट हाँ, मेरे सारे काम फिनिश कर लिए हैं। मैं सोच रही थी ना
कुछ ऐसा कर, मैं काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं हो पाते मेरे। तो आज मैंने डिनर बना लिया और अब मैं सुकून से यहाँ पे बैठूँगी, टाइम पास करूँगी अच्छे से। मतलब पहले जितने भी हैं आप उनको ख़त्म कर दीजिए, अच्छे से फिनिश कर दीजिए, इसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचता है। जो लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं, करके काम करो, जॉब करो, बच्चे देखो, पति देखो, टाइम नहीं मिलता, कैसे क्या करूँ। मैं सच बता रही, पहले ऐसे मैं भी सोचती थी, पर अभी क्या ना, अगर आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करते कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता अगर आप टाइम का, तो बहुत टाइम मिल जाता सच में। टॉय मैंने कम कर दिए हैं, जो छुपा दिए हैं। ले लिया है शार, आज शाम को शावर लेके आया है और जा रहा है डिनर करने। तो देखो कितना क्यूट लग रहा है, गुड्डी लग रही है, लड़की जैसा लगता है। लगा है इसके आप, ये क्या कर रहे हो, इतनी शरारत क्यों, इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाते मेरे भाई मेरे दोस्त। चलो अपना कुकुम्बर फिनिश करो, ठीक है। नो हाँ, जो किसी को खीरा नहीं देगा, पापा को दूसरा। मैं तो खा सकती हूँ। सभी बज गए हैं 7:30 और मैं लगाने जा रही हूँ सबका डिनर। अब मैं रेगुलर यही रूटीन फॉलो करना चाहूँगी, मैं ये नहीं कह सकती 100% मैं ये रूटीन करने वाली हूँ, हो जाएगा मुझसे। कोशिश करूँगी मैं 8 बजे तक बिल्कुल फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री ऑन बेड पहुँच जाऊँ। चटनी ली? यार 8:30 बजे दिखे घड़ी में, पीछे घड़ी दिख रही है ना, 8:30 बजे हम लोगों का डिनर हो गया है और अब मैं जा रही हूँ अजू को पढ़ाने, जो कि अजू इसके बाद सो जाएंगे। तो इसके बाद फिर मैं और कुछ करूँगी, 2-4 वीडियो शूट करूँगी, स्क्रैच आउटफिट शूट करने वाली हूँ और शायद उसका इससे पहले वीडियो मिल जाए या इसके बाद मिलेगा, और बहुत पुराना पेंडिंग वीडियो पड़ा है तो उसको करूँगी। तो फिलहाल मैं अर्जुन को पढ़ा देती हूँ, फिर मिलूँगी।